बहराइच से ही बड़ी खबर है। आपको बताएं वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना पहुंचे बहराइच, पीड़ित परिवारों से मिले हैं। वन मंत्री हर संभव मदद का भरोसा दिया है, जल्द राहत का भरोसा भी दिया है। भेड़ी के आतंक पर बोले हैं अरुण सक्सेना, भेड़ियों को ट्रेस किया जा रहा है, जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाएगा। ड्रोन से लगातार निगरानी हो रही है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, लोग खुले में ना जाए और बच्चों का खास ख्याल रखें। वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच पहुंचे, पीड़ित परिवारों से भी मिले हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। टीचर किया है कि हम लोग उसे ट्रेस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी और पकड़े जाएंगे। आप बहराइच आए हैं, उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्या रणनीति लेकर के आए हैं? हम ये लेके आए हैं कि हम उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। और लोगों को ये आग्रह करना है कि खुले में मत रहो, बच्चों का ख्याल रखो और बच के रहो। आपके विधायक पूरी रात भर लोगों के साथ जा करके पहरा दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप भी बहराइच में रुकेंगे और लोगों को अवेयरनेस यानी जागरूक करेंगे? देखिए, हम यहाँ आए ही इसीलिए हैं लोगों को जागरूक, और हमारे विधायक भी जो लगे हुए हैं यहाँ के, हमारे विधायक दोनों लोग लगे हुए हैं और वो बड़ा सहयोग कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट के लोग भी और उसके साथ ही साथ पुलिस का हुआ, अन्य महकमे भी पूरी मदद कर रहे हैं। हमको हर हालत में यहाँ की जनता की सेवा करना है, यहाँ की जनता को भेड़िए से बचाना है, बच्चों को सुरक्षित रखना है, लोगों को एजुकेट करना है कि बाहर खुले में मत सो, दरवाजे बंद करके सो और भेड़िए से बच्चों को बचाना। क्या ये भी संभावना है कि भेड़िए के अलावा कोई और जानवर हो सकता है, क्योंकि इसके जो कट हैं उनसे कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरा जानवर भी हो सकता है? इस चीज को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है।